हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, यानी अगर आप इसको हिंदी में पढ़ें, व्हीट मतलब गेहूं, पत्थर और सेतु। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इसे हम व्हीट स्टोन ब्रिज ही कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा था, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली एक खोजा क्या था, तो उन्होंने क्या किया था, एक ऐसे कॉम्बिनेशन की खोज की थी जिसकी सहायता से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास सर्किट जो हो, यानी एक सेतु की तरह बना हो। ठीक है, सेतु की तरह मतलब ब्रिज जो होता है वो किस तरह से होता है, कभी चढ़ाई होती है, कभी ढलान होते हैं, फिर कभी चढ़ाई होती है, फिर ढलान होता है। तो इस तरह से जब हमारे पास कभी कोई ब्रिज बना हो, तो उसमें बेसिकली वो उन्होंने बताया कि वो एक कैसे होता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, और उसकी कुछ कंडीशन उन्होंने बताई। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे सीखेंगे। देखते हैं, जैसे कि अगर हम व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें, तो व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, तो अगर हम ब्रिज की बात करें तो बेसिकली जो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड, और दूसरा अनबैलेंस्ड। ठीक है, यानी संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु, और असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, दो तरह के व्हीट स्टोन ब्रिज होते हैं। हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम देखते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो देखते हैं ये जो वहां बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है उसके बारे में। अब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको टर्म स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में जो हम सीखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और यहीं पर हम ये भी जानेंगे कि कब हम इसे बैलेंस्ड कहेंगे और कब हम इसे अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे, वो मैं आपको डायग्राम में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अगर हम ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन की बात करें, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है बेसिकली चार रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है, चार या उससे ज्यादा रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका एक अरेंजमेंट होता है, और जिसमें जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल की बात करें कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये किरचॉफ लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, किरचॉफ लॉ यानी किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन और वर्किंग की बात करते हैं। यहाँ पे इसके डायग्राम की हम बात करते हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, यहां पर मैं इसके डायग्राम बनाता हूं, एक डायग्राम एक। ठीक है, तो यहां पर मैंने चार रेजिस्टेंस ले लिए, ए बी सी और डी, ये चार रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक है, अब इसमें सी और डी रेजिस्टेंस के बीच में, यानी सी और डी जो दो कॉर्नर हैं, वहां पे मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा, और उस गैल्वेनोमीटर को एक स्लाइडर से कनेक्ट कर देंगे, स्लाइडर या जिसे हम जॉकी भी कहते हैं। ठीक है, स्लाइडर। अब स्लाइडर होता क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि टेस्टर होता है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम अपने इस बोर्ड में लगा के उसको कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो स्लाइडर भी जो होता है वो एक टेस्टर की तरह ही होता है। ठीक है, जिसको हम वायर में हर पॉइंट पे टच करा के चेक करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में नीडल का डिफ्लेक्शन किस साइड हो रहा है, मतलब एक तरह से हम करंट की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इस ये हमारा यहाँ पे जॉकी का वर्क होता है, या स्लाइडर, जॉकी या स्लाइडर कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये चार रेजिस्टेंस हमने लगाए, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, अब इसमें सी और डी अपोजिट कॉर्नर में हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, और इसके ए और बी के अपोजिट कॉर्नर में हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, और बैटरी को इस ए और बी कॉर्नर से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। तो अब जब हम इसमें बैटरी से, जब इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे वी वोल्ट की बैटरी से, तो यहां से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, आई करंट, और ये करंट R1 और R2 में, मान लेते हैं इसमें I1 गई और इसमें I2 गई, दोनों में फ्लाइट होने लगती है। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी जा रही है, IG जा रही है। ठीक है, तो अब हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज इसे तब कहेंगे जब गैल्वेनोमीटर में किसी तरह की कोई करंट ना हो, यानी IG की वैल्यू जीरो, यानी व्हेन IG इज इक्वल टू जीरो, देन दिस ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन
ब्रिज, ठीक है। ये यानी अगर हम कहें कि यदि गैल्वेनोमीटर में धारा जो है वो शून्य हो तो उस स्थिति में हम इसे इस ब्रिज को संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे, ठीक है। तो अब इस संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होगी, यानी अगर आईजी की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब क्या है कि सी और डी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है। और सी और डी में अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वी सी डी जो है वो कितना है, आई आर होता है हमारे पास फॉर्मूला, आई जी इंटू आर। तो आई जी की वैल्यू जीरो, तो मतलब ये क्या हो गया, जीरो। अब इसको हम लिख सकते हैं वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू जीरो या वी सी इज इक्वल टू वी डी, ठीक। तो ये क्या है, एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन भी है कि सी का विभव जो है वो डी के विभव के आपस में बराबर होगा, यानी सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। एक कंडीशन इसमें और भी होती है, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे ही अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किरचॉफ लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एक लूप हमें मिल रहा है यानी क्लोज लूप ए सी डी ए, तो इन ए सी डी ए, तो ए से सी में जब हम जा रहे हैं तो देखिए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आई वन इंटू आर वन। फिर सी से डी में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में इसकी करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो, यहाँ पे हमें कुछ लेना नहीं है। फिर डी से ए में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का आई टू इंटू आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमने स्टार्ट किया था, जब हम वहां पे पहुंच गए तो इज इक्वल टू किसके हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। इसको उधर लेके जाएंगे, आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, तो आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर वन, ये हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको उधर ले आ रहे हो, इसको उधर ले आ रहे हो, तो आर वन अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आई टू अपॉन आई वन। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर वन, ठीक। अब यहां पे कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं बैठा जिसे किरचॉफ लॉ का यूज करना ही नहीं आता, तो अगर उसे ये यूज करना नहीं आता है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको किरचॉफ लॉ के यूजेस करने बताए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसके बाद हम इसमें लगाते हैं सी बी डी सी में, तो इन सी बी डी सी, तो सी से जब हम बी में जा रहे हैं, तो अब अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रही है तो यहां से जो करंट I1 चलेगी वही तो इसमें जाएगी, समझ में आ रहा है। फिर यहां से जो I2 चलेगी वही तो इसमें भी जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों वापस मिलके यहाँ पे I1 जाएगी, ठीक, I1 प्लस I2 जो यहां से I जा रही थी, ठीक है। तो यहां पे अब C से जब हम B में जा रहे हैं, देखिए तो C से B में जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा I1 into R2। फिर से B से D में आ रहे हैं तो देखिए अब करंट इधर जा रही है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब माइनस में चला जाएंगे I2 into R4, ठीक है। D से C में, क्योंकि I की वैल्यू ही जीरो है तो आई आर तो लग ही नहीं पाएगा, इसलिए यहां पे अब कुछ नहीं बचा, मतलब आगे जीरो लगा देंगे। तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो आई वन आर टू इज इक्वल टू आई टू आर फोर, ठीक है। अब यहां पे इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, आर टू अपॉन आर फोर इज इक्वल टू आई टू अपॉन आई, ये मिल गया इक्वेशन नंबर, हमने इसको टू मान लिया, ठीक है। अब वन और टू दोनों इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम देखते हैं इक्वेशन को, तो वन और टू को अगर हम लेके चलते हैं तो वन और टू से अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वल होंगे, यानी आर वन अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर फोर, ठीक है। यानी आर वन अपॉन आर थ्री यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये क्या कंडीशन हो गई, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कौन कौन सी हो गई, एक कंडीशन जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना हो, दूसरी कंडीशन जब सी और डी के पोटेंशियल बराबर हो, तीसरी कंडीशन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। ये सारे कंडीशन अगर हमें मिलेगी तो वो ब्रिज कैसा हो जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्री मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है,
कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझाइए, उसकी संतुलन की शर्त लिखिए, यानी राइट द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे ठीक है, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। एग्जाम में हो सकता, बुक में हो सकता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S भी लिखा है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो रेजिस्टेंस के नाम लिख दिए उन्होंने ठीक है। तो ये हमें लिखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में लिखना है, तो इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद आपको उस पर डिस्क्राइब कर देना है ठीक है। कि डिस्क्राइब किस तरह से करना है, इसमें चार रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये चार रेजिस्टेंस इस प्रकार जुड़े होते हैं कि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार की कोई करंट स्थापित, कोई करंट प्रवाहित ना हो रही हो, तो उस स्थिति में ये किस तरह से होता है, ये एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है ठीक है। तो ये जो था, ये तो था हमारा आज का व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक ठीक है। अब इस पे बेस्ड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम आज अब हम करना स्टार्ट करेंगे ठीक है। तो हम देखते हैं पहला न्यूमेरिकल जो कि हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का है ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी जो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में जो पतंग बनाई थी वो यहाँ पे क्यों नहीं बनाई ठीक। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पतंग मिले, क्योंकि एग्जामिनर भी अब जानने लगा है कि आप पतंग बहुत ज्यादा उड़ाते हैं ठीक है। इस वजह से उसने पतंग को हटा के अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी देना स्टार्ट कर चुका है वो, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पतंग नाम बना के पतंग को उड़ा दिया और यहाँ पे अब दूसरे क्वेश्चन ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी कुछ वैसा ही अरेंजमेंट लग रहा है कि हम क्या करते थे, दिस अपॉन दिस करते थे और इसको इसके अपॉन में करते थे ठीक है, और चेक करते थे कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होंगे तो इसमें किसी तरह की कोई करंट नहीं फ्लो होगी 5 ओम में ठीक। चेक करते हैं तो 1 ओम ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया ठीक है। ये क्या है, R2 मान लेते हैं ठीक। R2 की वैल्यू कितनी है, अब ये 1 और 1 दोनों किसमें है, सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में। तो पहले इसकी नेट वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1+1 यानी 2 ओम। इसमें इधर R3 कितना है हमारे पास, 2 ओम है। R4 कितना है हमारे पास, ये है 3+1 यानी 4 ओम ठीक। आपको ये ध्यान रखना है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ठीक है। इसीलिए मैं बार बार ये वैल्यू बोल रहा हूँ, ना कि R1 अपॉन R2 बोल रहा हूँ ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आप R1 अपॉन R2 इधर याद रखते हैं, कभी ऐसा होता है कि R1 और R2 इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो उल्टे सीधे क्रम की वजह से कभी गड़बड़ी हो जाती है ठीक है। तो इस वजह से हम इसको ध्यान रखेंगे, दिस अपॉन दिस भी चल रहा है ठीक है। तो हम इसको और इसको अपॉन में ले रहे हैं, यानी 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस यानी 2 अपॉन 4 यानी कितना आ गया 1/2। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल होंगे तो इसमें किसी तरह की कोई करंट नहीं फ्लो होगी 5 ओम में, मतलब ये हमारा वायर जो है पूरी तरह से बेकार हो गया। हमने क्या किया, इसको हटा दिया यहां से ठीक। अब इसको जब हम हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, ये सारे क्या हो गए सीरीज में, जो आएगा एक दूसरे के साथ पैरेलल में ठीक है। यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये सारे श्रेणी क्रम में, जो आएगा एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर आप देखें तो ये 1 और 1 2 ओम, R' मान लेते हैं 1+2 3 ओम, नीचे सारे क्या है श्रेणी क्रम में, R" मान लेते हैं 1+1+3+1 कितना हो गया 6 ओम ठीक। अब 3 और 6 दोनों किसमें है समांतर क्रम में, तो इनकी नेट वैल्यू निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R' × R" अपॉन में R' + R" 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2 करके भी आप निकाल सकते हैं ठीक है। कितना हो जाएगा 3 × 6 अपॉन में 3+6 यानी 9, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6 यानी कितना आ गया 2। तो ये हमारी आ गई इस बॉक्स की नेट वैल्यू कितनी आई 2 ओम आई ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इधर मैं रफ कर देता हूं, तो इसको हम देखें तो इसमें R की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है 2 ओम आ गई है। अब इसके साथ ये 0.5 ओम भी जुड़ा हुआ है, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 8। नेट लिख देता हूं मैं इसको, तो इस बॉक्स की नेट वैल्यू कितनी थी 2 ओम थी ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखें तो ये इसके साथ किसमें है सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में, नेट वैल्यू हो जाएगी 2+0.5 यानी 2.5 ओम। तो ये हमारा आ गया नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब हम करंट की अगर बात करें, पूरे सर्किट की करंट क्या होगी, तो करंट हो जाएगी I = फॉर्मूला V / R। V की वैल्यू कितनी है
2.5 वोल्ट, आर की वैल्यू कितनी है 2.5, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से सॉल्व होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से नेट रेजिस्टेंस और करंट आपको निकालना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखते हैं हम अपना ये जो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में फिर से आप सोच रहे होंगे कि हमने पतंग बना के नहीं दी या किसी तरह से कोशिश नहीं, इसमें ये डायग्राम कैसे बनेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को पतंग बनाने की कोशिश करते हैं जो आपकी पसंद भी है। ठीक है, तो ए और बी सबसे किनारे पे है, उसको हम ए और बी को किनारे पे बना देते हैं। फिर इसके बाद सी और डी बीच में है, तो बीच वाले को हम ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब ए से सी में देखें तो क्या कौन सा कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 5 ओम का, ये हमने लगा दिया। फिर सी से डी में 10 ओम का, ये हमने लगा दिया। देन आफ्टर डी से बी में 20 ओम का, ये हमने लगा दिया। फिर इसके बाद ए से डी में 10 ओम का, ये लगा दिया। देन आफ्टर सी से बी में 10 ओम का, तो इसको भी लगा दिया मैंने। ठीक है, अब फिर क्या है, ए और बी के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है 5 वोल्ट की, तो वो हमने इधर यहां पे जोड़ दी। ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। ठीक, अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो सी से बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ था, 10 ओम का जुड़ा हुआ था, तो यहां पे 10 ओम लिख दे रहे हैं। ठीक, तो इस दिस अपॉन दिस 5/10 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस 10/20। चेक करते हैं बराबर है कि नहीं, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, दोनों इक्वल है, मतलब 10 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। नेट वैल्यू क्या हो जाएगी एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो यहां पे आर वन की वैल्यू 5 + 10 = 15 ओम, आर टू की वैल्यू 10 + 20 यानी 30 ओम। ठीक है, नेट वैल्यू पैरेलल में, मतलब R इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू। ठीक है, यानी 15 × 30 अपॉन में 15 + 30 यानी 45, 15 × 3 = 3, 10, यानी नेट वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो R की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 10 ओम। अब हमें करंट निकालनी है, तो करंट के हम फॉर्म लगा देंगे, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, बी की वैल्यू कितनी 5, आर की वैल्यू कितनी 10, कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, करंट निकालनी है, यानी इस अमीटर के द्वारा कितनी करंट मिल रही है हमें, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसे भी हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से। लेकिन अब इसमें आपको कंफ्यूजन क्या हो रही होगी कि मैंने तो आपको बताया था 4 रेजिस्टेंस, और वो भी किसमें, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लेकिन यहां पे तो एक और आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने नहीं लिखी, इसको लिख देते हैं 50 ओम। ठीक है, तो ये है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे मतलब जैसे हम करते थे पहले। ठीक, कि इस आधे हिस्से को, यानी ये वाला हिस्सा जो है यहां से इधर वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम छुपा गए हैं। ठीक है, अभी हम मानेंगे कि ये नहीं है यहां पे, तो हम कैसे करेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दोनों इक्वल है, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये हट जाएगा हमारे पास। फिर से वही चीज अब इधर वाले के साथ करेंगे, इसको हटा के, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये क्या है, फिर से इसमें नहीं करंट फ्लो होगी, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम बन के आ जाएगा। मतलब ये पूरा किसमें, सीरीज में, ये पूरा किसमें, सीरीज में, जो आएगा एक दूसरे के साथ पैरेलल में, यानी आर वन की वैल्यू कितनी हो गई 10 + 10 + 10 30 ओम। नेक्स्ट आर टू वैल्यू कितनी हो गई 10 + 10 + 10, ये भी कितना हो गया 30 ओम, और नेट जो आर आ गया कितना हो गया आर वन आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू, जो आपकी आप सॉल्व कर लेंगे 30 + 30 कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, अब हमें करेंट निकालनी है मीटर बाय मीटर, तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, तो बी की वैल्यू कितनी है 6, आर की वैल्यू 15, कितना आ जाएगा 15 × 4 = 60, पॉइंट लगा के 0.4 एम्पियर, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको मैंने वापस पतंग बना के दे दी है, ठीक है, जिसमें फिर से हम चेक करेंगे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी 15 अपॉन 30 इज इक्वल टू 3/6, ये कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 1/2, दोनों इक्वल है, मतलब इस 10 ओम में करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, यानी करंट नहीं फ्लो होगी, मतलब ये हम स्क्वायर को हटा सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, I1 और I2, अच्छा मैंने डायग्राम में नहीं बनाया है, तो ये I1 हो गया और इधर क्या हो गया I2 हो गया, ठीक है। अब यहां से जो करंट जाएगी वो कौन सी जाएगी, I जाएगी, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम बना देते हैं इसको 10 ओम, बाकी इसमें करंट जो है वो 0 रहेगी, मतलब इसकी कोई वैल्यू जरूरत नहीं है, तो ये I1 इधर भी जाएगी, ठीक है, और यही I1 इधर भी, यही I2 इधर भी जाएगी, ठीक है, तो ये दोनों किसमें सीरीज में, ये दोनों सीरीज में जो आएगा एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो R1 की वैल्यू 15+3 यानी 18 ओम, R2 की वैल्यू 30+6 यानी 36 ओम, ठीक है, तो नेट जो R हो गया वो किसमें, ये दोनों किसमें हो जाएंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल में यानी समांतर क्रम में, तो नेट R किसमें हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, 18 × 36 अपॉन में 18+36 है, कितना हो जाएगा 54, 18 3 जा और यह आ जाएगा 12, यानी कितना आ गई नेट वैल्यू 12 ओम, ये हमारा पास आ जाएगा इसकी नेट वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, I1 और I2 की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो नेट I हम निकाल लेते हैं, तो नेट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू कितनी है 12, कितना आ गया 1/2 एम्पियर, ये हमारे पास आ गई नेट I की वैल्यू, ठीक है। अब हमें I1 और I2 अगर निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस लूप में किरचॉफ रूल अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, नाम देते हैं इसको A, B, C और D, A, C, D, A, ठीक है, देखते हैं इन A, C, D, A, ठीक है, तो A से C में जब जा रहे हैं तो 15 I1, C से D में जा रहे हैं, यहां पे करंट तो है नहीं तो इसको हम लेंगे नहीं, फिर से D से जब A में जा रहे हैं तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस का 30 I2 = 0, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो 15 I1 = 30 I2, कितना हो जाएगा I1 की वैल्यू आ गई 2 I2 के इक्वल, ठीक है, तो ये तो एक वैल्यू मिल गई। अब दूसरी वैल्यू कहां से मिलेगी, तो इस I को अगर हम देखें तो ये I जो जा रही थी यहां से दो हिस्सों में टूट रही थी, मतलब दो हिस्सों में ब्रेक हो रही थी, तो किरचॉफ के रूल में अगर जंक्शन रूल की बात करें तो जो I होता है, I हो गया यहां पे किसके इक्वल हो गया I1 + I2 के इक्वल हो गया। I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, I1 की वैल्यू कितनी है 2I2 + I2, यानी कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया, ये इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको मिटाते हैं यहां पे, हमारे पास ये आ गया 3I2 के इक्वल, 3I2 = 1/2, ये डिवाइड में आ जाएगा तो I2 की वैल्यू आ गई 1/6। अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, तो I1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2I2, तो 2 और I2 की वैल्यू है 1/6, सॉल्व कर लिया कितना आ गया 1/3 एम्पियर, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और नेट रेजिस्टेंस कितना आया था हमारे पास 12, ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये हमारा टॉपिक जो है आज का व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मीटर ब्रिज के बारे में और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस करेंगे, आपको आपका होमवर्क क्या है कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व, व्हीटस्टोन ब्रिज को वीडियो को पूरा देखिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।